टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आप सभी का कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। अगेन इंडियन रेलवेज में एक प्रॉब्लम आती है सैंड स्टोन की। ये सैंड स्टोन के बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसा हमने बीसी सॉइल ब्लैक कॉटन सॉइल के बारे में बताया था, उसी तरह का कोई चीज़ है सैंड स्टोन। चलिए देखिए क्या होता है, दिखाइए आप। ये देखिए, ये एक तरह का पत्थर है, लेकिन ये पत्थर भी नहीं है, ठीक है। ये मिट्टी एक्चुअली सैंड जो है ये कंसोलिडेट होकर स्टोन बन चुकी है, इसी को सैंड स्टोन कहा जाता है। यहाँ पर जहाँ पर भी आप देखोगे, हम लोगों ने जो एक्सकवेशन किया है, यहाँ पर आपको मैक्सिमम में सैंड स्टोन देखने को मिलेगा। तो ये इतना स्टिफ होता है कि आपका जो बकेट है पोकलेन का, उससे ये निकलेगा नहीं। इसके लिए ब्रेकर लगाना होगा, मतलब चिजलिंग करना होगा, ठीक है। लेकिन एक बार अगर आप इसको निकाल दिए तो ये मिट्टी बन जाता है। जैसे कि अगर मैं इन दोनों को, समझ रहे हैं, ये एक तरह का पत्थर ही है लेकिन ये मिट्टी बन जाता है। तो अब जब इसको हम बेड पे डालेंगे, बेड पर मतलब जहाँ मान लो कि हमारा एक्चुअली इंडियन रेलवे में क्या होता है, कटिंग फिलिंग हम लोग बैलेंस करके चलते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को अगर हम उठा के फिलिंग सेक्शन में डालेंगे, ये तो हमारा कटिंग सेक्शन आ रहा है, यहाँ से मिट्टी हमको काट के निकालनी है, फॉर्मेशन लेवल बनानी है। लेकिन अगर इसी चीज़ को हम फिलिंग सेक्शन में डालेंगे और वहाँ पर रोलिंग करेंगे, तो ये चूर चूर हो जाएगा, रोल भी हो जाएगा प्रॉपरली, अच्छे से पूरा बेड आपको चिकना दिखेगा। लेकिन दिक्कत क्या आएगी, दिक्कत आएगी कि इसमें कॉम्पैक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये सैंड है, सैंड का पोरोसिटी ज़्यादा होता है। तो आप जितना कॉम्पैक्शन करना है ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पे, तो आपको जितना पानी डालोगे सारा पानी इसमें रिटेन ही नहीं होगा, वो सीप हो जाएगा। जब सारा पानी सीपेज हो गया पानी का, तो मॉइस्चर नहीं है, तो रोलर चलाओगे। अभी मान लो पानी डाल के रोलर चला दिया, पानी डाला रोलर चला दिया, फिर कॉम्पैक्शन टेस्ट करेंगे तो उसका कॉम्पैक्शन आएगा। लेकिन जनरली ये रूल नहीं है, हम पानी सुबह देंगे, शाम तक वह थोड़ा ड्राई होगा, फिर रोलर चलाएंगे तो अच्छे से वो कॉम्पैक्ट होता है। लेकिन इस सॉइल का वो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ये सैंडी सॉइल है, सैंड स्टोन, तो इसका कोई यूज़ नहीं होता है फिर रेलवेज में, ओके, क्योंकि इसमें कॉम्पैक्शन नहीं आती है। इसलिए ये एक तरह का वेस्ट मटेरियल है, इसको हम साइड में डंप कर देंगे। तो ये पूरे में देखिए सैंडी सॉइल है, तो इस पूरे सॉइल को हमने डंप कर दिया, इसका कोई इस्तेमाल ही नहीं है, ओके। तो आप देख सकते हो, और थोड़ा गौर से देखिए ये कैसे है पत्थर, ये पत्थर जैसा दिखता है लेकिन पत्थर होता नहीं है, ओके। जब इसको हम एक दूसरे से टकराएंगे तो ये चूर चूर हो जाएगा, देखिए दिख रहा है आपको सैंड, देखिए, ओके। अब ये सैंड है, इससे आप घर बना सकते हो, ये अलग चीज़ है। लेकिन इसको हम बेड पे डाल के कॉम्पैक्शन करके एक बेड का लेयर, हम जनरली 300 mm का लेयर में डालते हैं और कॉम्पैक्शन करते हैं, तो ये चीज़ आप नहीं कर सकते इसको यूज़ करके, ओके। सो इसके अंदर भी बहुत चीज़ होता है। सो इतना आप जान लीजिए, देखिए सैंडी सॉइल क्या होता है, जिसका पोरोसिटी अधिक होता है, जिसका कोई यूज़ नहीं है। गुड लक, और इस तरह के वीडियोस आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, दीजिएगा। तो अभी अभी मैंने जैसे आपको बोला है सैंड स्टोन का कॉन्सेप्ट, तो इसमें मैंने बोला है कॉम्पैक्शन आएगा नहीं, तो कॉम्पैक्शन आएगा नहीं ऐसा भी नहीं है। अगर हम जो रोलर का जो नंबर ऑफ पासेस है, ठीक है, विथ वाइब्रेशन, ओके, वाइब्रो हम यूज़ करते हैं, वाइब्रेटर, विथ वाइब्रेशन नंबर ऑफ पासेस अगर इंक्रीज़ कर दें, जैसे कि जहाँ पर नंबर ऑफ पासेस हमको 8-10 चाहिए, वहाँ पे हम डबल कर देंगे, समझ में आ रहा है, तो कॉम्पैक्शन आएगा लेकिन उतना नहीं आएगा, ओके। इसका कॉम्पैक्शन टेस्ट करने का भी मेथड अलग होता है। जैसे कि नॉर्मली आप करोगे कॉम्पैक्शन टेस्ट बाय यूजिंग कोर कट मेथड, हम जनरली करते हैं ऑन फील्ड, बट सैंड का जहाँ पर यूज़ हुआ है बेड पे, वहाँ पर हम कॉम्पैक्शन करते हैं बाय यूजिंग सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। ध्यान रखिएगा, सैंड रिप्लेसमेंट हम कहाँ पे करते थे, रोडवेज के लिए, ठीक है। तो सेम चीज़ को यहाँ पर भी हम लोग यूज़ करते हैं। अगर इमरजेंसी ऐसा हो जाए कि मेरा बोरो एरिया, मतलब जहाँ से हमको मट्टी लाना है, वो डिस्टेंस लीड मेरा अगर ज़्यादा हो जाए, तो मेरा इकोनॉमी नहीं होगा कंस्ट्रक्शन में, ओके। तो इन अंडर सच केसेस आई एम बाउंड टू यूज़ दिस काइंड ऑफ सॉइल, एंड इस तरह का सॉइल को अगर यूज़ करेंगे तो हम पूरा सेफ्टी मेंटेन करेंगे, ओके। और सेफ्टी कैसे मेंटेन होगा, वही कॉम्पैक्ट आपको करना है, जो भी आप फिलिंग कर रहे हो, अर्थवर कर रहे हो, उसको प्रॉपरली कॉम्पैक्ट करना है, इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ओके। सो ध्यान रखिएगा, सेफ्टी इज़ फर्स्ट, इकोनॉमी तो बाद में आते रहती है। गुड लक।